तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरकार बाजी मार ली है और जैसे कि हम कल बोल रहे थे कि चेन्नई जीतने वाली है क्योंकि वो एक अंदर से गट्स फीलिंग आ रही थी कि कल चेन्नई जीतने वाली है, फाइनली कल चेन्नई जीत गई है। हेलो, मैं हूँ सनी आपके साथ में और मेरे साथ है एवरग्रीन पूजा। जी सनी सर, बहुत ही एक्साइटिंग मैच, मजा आ गया। जिन्होंने आखिरी तक देखा वो मैच, जान हथेली पर रख के देखा। मोहित शर्मा ने क्या गेंदबाजी की, ऐसा लग रहा था कि अब गुजरात के तरफ जा रहा है मैच, लेकिन उसी टाइम चेन्नई के रविंद्र जडेजा मैच पलट सर गए। जडेजा सर जडेजा बिल्कुल सर जडेजा ने जिस तरह से पहली बॉल में सिक्सर लगाया और दूसरी बॉल में बाउंड्री के पार बॉल को फेंका, उससे जीत तय हुई और जिसके बाद जीत का सहरा बंधा वो बंधा सर जडेजा के सर पर। और साथ साथ धोनी को कैसे भूल सकते हैं। जी धोनी, सर जडेजा ने ये उनको डेडिकेट किया है। हर बार लोग प्रे करते थे कि धोनी आउट हो जाए ताकि जडेजा आउट हो जाए ताकि धोनी की बैटिंग देखने को मिले, लेकिन इस बार जडेजा ने ऐसा कमाल किया कि लोग प्राउड फील कर रहे हैं उन पर। और वापस यहाँ पे धोनी भी उनको उठा लेते हैं जब जीतती है। बिल्कुल, और यही तो खासियत है धोनी के अंदर कि वो टीम स्पिरिट जो होती है वो धोनी के अंदर दिखाई देती है। वो जानते हैं कि किस प्लेयर ने टीम के लिए बेहतर किया और कैसे उसको अप्रिशिएट करना है, कैसे उसको बूस्टअप करना है, टीम के मेंबर्स को कैसे बूस्टअप करना है। वो जो एनर्जी है ना वो देखते ही बन। जी बिल्कुल, MS धोनी एक नाम नहीं इमोशन है कह सकते हैं ऐसा। बिल्कुल इमोशन है और यही तो इमोशन है जिसकी वजह से बारिश के बाद भी लगातार दो दिनों तक हम वेट कर रहे थे। तमाम जो क्रिकेट के फैंस हैं वो वेट कर रहे थे, सबको ये लग रहा था कि बस बारिश रुक जाए और ये पूरा मैच हो जाए। सबको ये लग रहा था कि मैच किसी भी तरह से होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए क्योंकि कोई ये नहीं चाह रहा था कि रन रेट के मुताबिक मैच को डिक्लेयर किया जाए कि कौन जीता और कौन हारा। और इसीलिए अगले दिन ये मैच हुआ और मैच भी इतना दिलचस्प हुआ कि ये सेकेंड हाईएस्ट स्कोर बना है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसको। और ये कारनामा हार्दिक पांड्या की टीम ने किया, गुजरात टाइटंस ने किया, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि यार टीम मतलब मुश्किल है चेन्नई का जीतना, क्योंकि सुदर्शन जब चला जी। तो लग रहा था कि बस अब चारों खाने चित है चेन्नई। जी बिल्कुल, साई सुदर्शन और रिद्धिमान साहा का ऐसा कहा जा रहा था कि ये लोग तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, हम तो शुभमन गिल के लिए तैयारी करके आए थे, लेकिन ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया। सरप्राइज था एक तरीके का। जी बिल्कुल, साई सुदर्शन ने जो 96 रन बनाए काबिले तारीफ, 21 साल के हैं बस वो, क्या आप जानते हैं। 47 बिल्कुल 47 गेम्स में और जिस तरह से खेला है उन्होंने, मतलब जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और इस बार के IPL में जो नायाब हीरे निकल कर आए हैं उनकी तारीफ करनी बनता ही है। यशस्वी जैसे मैं उनका ही नाम लेने जा रहा था कि यशस्वी जिस तरह से खेल रहे थे, और अभी कल परसों ही मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि वो रोहित के साथ गए हैं टेस्ट मैच के लिए, वो साथ में जी बिल्कुल साथ में उनके गए। उन्होंने बकायदा एक सेल्फी पोस्ट की अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जिसपे वो बता रहे थे कितना प्राइड वो फील कर रहे हैं कि अब वो इंडिया के लिए खेलेंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे गुजरात की तरफ से बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिली, वहीं चेन्नई की तरफ से भी बैटिंग हर किसी ने अपना एक रोल निभाया। आके हर कोई आया, पहले एक शुरुआत दिलाई ऋतुराज ने दिलाई, यहाँ पे डिवॉन कॉनवे जो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, और इसके बाद लगातार हर कोई आया, थोड़ा थोड़ा खेला, लेकिन एक अच्छी इनिंग्स के लिए। अम्बाती राइडू जिन्होंने रिटायरमेंट लिया, लेकिन एक मॉन्स्ट्रस इनिंग बोल सकते हैं, छोटी सी लेकिन एक अच्छी इनिंग्स के लिए। बिल्कुल, अपनी जो पहचान है जो छाप है वो छोड़ने में वो कामयाब रहे। 215 का टारगेट था और 171 पे आके वो रुका। और इसके पहले जब हम कल बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि 170-180 के बीच में, 160-180 के बीच में स्कोर हो सकता है। भले ही बारिश के बाद हुआ, लेकिन जिस तरह से ये मुकाबला हुआ हर एक गेंद पर ये लग रहा था कि अब इम्पॉसिबल है। और जब सर जडेजा आ रहे थे उसके पहले भी लग रहा था कि अब मुश्किल है, अब ये होना बहुत ही नामुमकिन सा है, क्योंकि 10 रन चाहिए थे और सबकी जो दिल की धड़कनें थी बहुत तेज़ हो चुकी थी। लग रहा था कि हे भगवान अब क्या होगा, कुछ चमत्कार ही बचा सकता है। और वो जो चमत्कार हुआ है उसके क्या है? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि गुजरात की तरफ मैच जा रहा है, क्योंकि मोहित शर्मा इतनी अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे, 4 गेंद 1-1-1-1, शिवम दुबे मारने की कोशिश कर रहे थे, रविंद्र जडेजा मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर में सर जडेजा ने कमाल कर दिखाया। धोनी सर झुका के बैठे थे और बाद में उन्होंने सर ऊंचा किया, जडेजा को अब गोद में उठाया और ये सर ऊंचा किया वो ऐसा ऊंचा किया कि 5वीं बार IPL का खिताब अपने नाम कर लिया और 5वीं बार अपने सिर पर वो ताज पहना, टीम के सिर पर वो ताज पहनाया। और पूरे लोग में देख रहा था, क्राउड में भी ऑलमोस्ट लोग चेन्नई के लिए एक्साइटेड थे, हर कोई चेन्नई के जीत के लिए दुआएं कर रहा था। और धोनी ने जो अपना लास्ट कमिट किया उसमें भी उन्होंने ये बात कही कमिटमेंट में अपने कि मैं ये सोच रहा था कि इस बार मैं रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन जिस तरह से मुझे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है अब मुझे लगता है कि मैं उनके
रिस्पॉन्स की वजह से उनको रिस्पेक्ट के तौर पर एक और इनिंग में अपनी तरफ से खेलकर डेडिकेट कर। जी तो बिल्कुल हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी आने वाले बड़े प्लेयर की खासियत ही है कि वो इस तरह से सोचते हैं कि वो अपने फैंस के लिए भी उनका दिल रखने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनके इस प्यार के लिए, डेडिकेशन के लिए एक और इनिंग वो खेलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट खेलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 9 महीने 8 महीने तक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी एक होता है, कई तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन मेरे फैंस का जिस तरह से मेरे लिए डेडिकेशन है उनके लिए मैं ये करूँगा। जी बिल्कुल, और सभी प्लेयर्स ने एमएस धोनी के लिए ये किया, सबने उनको डेडिकेट और बड़ा बन दिखाया। हार्दिक पांड्या ने भी, उन्होंने जब लास्ट में उनका मैं पोस्ट पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई कि धोनी के लिए ये मैच कल का था, कल का वक्त धोनी के लिए था और धोनी इसके लिए डिजर्व करते हैं। जी बिल्कुल, रविंद्र जडेजा ने भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक डीपी लगाई है जिसमें उन्होंने धोनी ने उनको उठाया है, तो ये बताता है कि एमएस धोनी लोगों के लिए क्या मैटर करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, भले ही टीम अपोजिट हो लेकिन जो टीम स्पिरिट है वो धोनी के साथ होता है और यही एक जादूगर प्लेयर की निशानी भी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में टीम इंडिया में जो आईपीएल से निकले हुए जो नगीने हैं, हीरे हैं, वो हमारी टीम इंडिया की शान को और बढ़ाएंगे। और अब चूंकि वर्ल्ड टेस्ट के मुकाबले होने हैं, वर्ल्ड टेस्ट के मैचेस होने हैं, तो उस पर भी हमारी टीम कितना बेहतर कर पाती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अपडेट्स आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्रिकेट के अलावा भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे हम लेते हैं अलविदा और अगली बार के लिए फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।